तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो आज कोरल ड्रॉ के ऊपर नहीं बल्कि कोरल लेज़र के ऊपर रहने वाली है। तो हम कोरल लेज़र पहले सॉफ्टवेयर अपना चालू कर लेते हैं। तो आज मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपका काम करता है कोरल लेज़र, जो आप इजीली कुछ भी आइटम है वो आप बना सको, कट कर सको या इंग्रेव कर सको। क्योंकि ये जो कोरल लेज़र की पेन ड्राइव है वो मेरे पास है नहीं, जो जिससे कि मैं मशीन नहीं चालू कर पाऊँगा। मतलब कि पेन ड्राइव मैंने बाय नहीं कर रखी, ये मैंने बस खाली कोरल लेज़र आपके लिए डाउनलोड किया है समझाने के लिए आपको। तो चलिए दोस्तों, सेम वैसे ही है हमारा जैसे कि किसी किसी का कोरल लेज़र में, मतलब ये मैंने कोरल ड्रो X7 डाल रखा है तो इसमें खुल गया है, किसी किसी का अलग खुल जाता है। जिसने अपने कोरल ड्रो अलग डाल रखा है तो वो अपने फेस के हिसाब से खुल जाएगा। तो सेम वैसे ही है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इस फेस के बारे में बता देता हूँ। देखो मशीन अभी डिसकनेक्ट बता रही है क्योंकि हमने ना ही USB, ना ही पेन ड्राइव, ना ही हमने कुछ भी कनेक्ट करा है, खाली हमने अपना सॉफ्टवेयर जो है कोरल लेज़र का वही चालू किया है। तो इसमें हम देखो, जैसे कि ये एक मेन बोर्ड करके दे रखा है, मेन बोर्ड मान के चलिए, आपका मदरबोर्ड भी हो सकता है। जैसे कि आपका M2 कौन सा, जो CO2 लेज़र मशीन है उसमें कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है, M2 का बोर्ड लगा हुआ है, B2 का लगा हुआ है, या फिर आपका कोई सा आपका बोर्ड जो है मेन बोर्ड जो है वो लगा हुआ है। तो जैसे कि बहुतों का जो है M2 लगा हुआ रहता है, तो इसलिए हम M2 ही कर देते हैं, ठीक है ना। बहुतों का जो CO2 लेज़र मशीन की जो 50 वोल्ट, 55 वोल्ट, जो 40 वोल्ट की है, तो उसमें काफ़ी बंदों में जो है M2 लगा हुआ रहता है, तो इसलिए हमने M2 कर दिया है। तो इसके बाद ओके करोगे तो वो ऑटोमेटिक अब कनेक्ट हो जाएगी, मतलब अप्लाई हो जाएगा। तो एक बार रीस्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी जो मशीन का कोड होगा वो आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। वो फिर मशीन जब चालू करोगे तो मशीन फिर कनेक्ट हो जाएगी। तो स्पीड रेशो दे रखी है, तो आपको यहाँ से नहीं छेड़नी है कुछ भी, आपको यहाँ से आपको नहीं छेड़ना है। मेन आपका ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, जो आप टॉप राइट से करना चाहते हो, मूव कहाँ से करना चाहते हो, जैसे कि आप टॉप राइट अगर हम कर दिया, जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये टॉप राइट कहाँ से आप राइट से करना चाहते हो, कहाँ से आप करना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ है। अभी टॉप लेफ्ट कर रखा है क्योंकि हमने सेव नहीं किया था वहाँ पर, अगर मैं सेव कर देता तो हमारा चेंज हो जाता। देखो जैसे कि हमने ओके कर दिया, तो अगर मैं कट पे करता हूँ तो देखो हमारा राइट पे आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें इसको वापस में टॉप लेफ्ट में कर देता हूँ, इसमें हमारा सेंटर नहीं दे रखा, जैसे कि ओरो जो आपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे, चाइनीज सॉफ्टवेयर जो देखे होंगे आपने, उसमें सेंटर भी दे रखा है। सेंटर में इंग्रेविंग करने में आपको बहुत आसानी रहती है, इसमें आपको नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, इसको आज हम बता देंगे कि वो भी हमारा प्रोसेस कैसे रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा XY एक्सिस है, तो ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 0.1 और ये 0.1, ये मशीन जो है हमारी जो लेज़र पॉइंट है वो हमारा यहाँ से दिखाएगा पेज के, ठीक है ना। तो ये पेज साइज़ हो गया 400 बाय 400, जिसका मशीन का आपका बेड साइज़ है उतना ही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा, जिससे कि आपका अगर यहाँ पे 300 बाय A4 है तो 300 बाय 200 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो आपका बेड साइज़ जो है आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो, आपका बेड साइज़ जो है अंदर चेंज हो चुका है, ठीक है ना। ये 300 बाय 200 का हो गया। अगर हम 400 बाय 400 तो स्क्वायर में हो जाएगा वो, तो जैसा कि देख सकते हैं अब स्क्वायर में हो गया, ठीक है ना। पहले जो रेड डॉट दिखा रहे हो, सिलेक्टिंग एरिया जो है वो आपका 400 बाय 400 का है। तो अब एक बार हम चलते हैं वापस, एक बार बता देते हैं ये डिवाइस आईडी में आपका, जैसे कि आप ये एक्सेप्ट करते हो, ओके करते हो, मशीन की USB लगाते हो, पेन ड्राइव लगा लेते हो,
फिर वापस से एक बार मशीन का जो सॉफ्टवेयर है कोरल लेज़र है वो चालू करते हो, तो आपका सीधा डिवाइस आईडी रिकॉग्नाइज करके आपका यहाँ पे मेंशन हो जाता है, जो आईडी होगी आपकी मशीन की वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। एक्स वाई एक्सिस जैसे कि ये स्पीड होगी कि कितनी तेज़ी से चलेगी, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। लेयर तो इसको हाईएस्ट आप अपनी जैसे भी करना चाहो वैसे ही कर सकते हो। तो एक बार हम एक्सिट कर देते हैं। उसके बाद मेन दिक्कत होती है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट मैनेजर नहीं दे रखा होता। हालांकि जो हमारा जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है इसमें आपको दे रखा होगा। अगर मैं इसको पेन ड्राइव डालूँ अपलोड कर दिया तो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट के मैनेजर दे रखा है वो आपको उसमें भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा तो आज मैं उसमें भी वापस बताता हूँ, लेकिन पहले आपको इसमें दिखा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट मैनेजर क्या होता है। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर चालू हो गया, लोडिंग हो रही है, लोडिंग ख़त्म होते ही, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत हैंग करता है, लेकिन अगर ये जो आप चला रहे हो तो इसमें आपको बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीके से आप अपना कोई भी इंग्रेविंग या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली काट सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये देखो हमारा सॉफ्टवेयर चालू हो गया, देखो यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट मैनेजर तो आपको दे रखा है यहाँ पे। जैसे कि ऑब्जेक्ट मैनेजर आपका ये कट इंग्रेविंग ये सारा आपको दे रखा है, लेकिन उसमें कट इंग्रेविंग अलग अलग होगा, ठीक है ना, सिंगल नहीं होता कभी, मतलब कि दोनों एक बारी में नहीं होंगे, जैसे कि कट और इंग्रेविंग दोनों एक साथ नहीं होंगे, लेकिन आपका वो अलग अलग होगा। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको जैसे कि लेयर वाइज दे रखा होता है, उसमें आपको रेक्टेंगल वेक्टेंगल बता रखा होता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट ले रखा है आपने। तो चलिए दोस्तों फिर मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। ये आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाके आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करना है, ये आपका खुल जाएगा ऑब्जेक्ट मैनेजर और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी आ सकता है डाटा, ठीक है ना। ये सारा आपको मेन ऑब्जेक्ट मैनेजर ही मेन रहता है, इसमें ज़्यादा मेन भी नहीं है, कन्फ्यूज़न करने वाली बात है, लेकिन आप कन्फ्यूज़न मत होना। दोनों तरीके से मैं बताऊँगा कि आप किस तरीके से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट मैनेजर यूज़ करके भी कर सकते हो और विदाउट ऑब्जेक्ट मैनेजर यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि अभी एक हमारा रेक्टेंगल बन गया है, लेयर वन दिखा रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट मैनेजर में क्या है कि ये लॉक कर सकते हो, इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, अनलॉक कर दिया। अभी इसको प्रिंट कमांड नहीं दे सकते, अगर हम कटिंग में या इंग्रेविंग में जाते हैं तो ये नहीं दिखेगा, शो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे विजुअल करना चाहते हैं तो ये हमारा यहीं पे नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें तीन दे रखे हैं, एक लेयर लॉक हो जाएगी, इसको हम मूव नहीं कर पाएंगे, इसको हम वहाँ नहीं देख पाएंगे। अगर लेयर लॉक देखो, अगर लेयर लॉक कर देते हो लेकिन आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर लेयर लॉक की बजाय अगर आप ये लॉक कर देते हो तो आप वहाँ पे यहाँ देख सकते हो, यहाँ इसको मूव कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ लेके नहीं जा सकते, इंग्रेविंग नहीं कर सकते आप इसको, ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए ये आपको विजुअल भी नहीं होएगा यहाँ पे भी, तो अगर आप नेक्स्ट कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे कि हमने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख लिया, तो इसको हम कोई भी अपना फ़ॉन्ट डाल लेते हैं, इसको अलग करके हमारे दो टेक्स्ट बन गए। अब देखो अब यहाँ पे हमारे देखो कितनी ऑब्जेक्ट के आ गए, यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए, एक हब का अलग हो गया, एक हब का अलग हो गया और एक टेक्निकल का अलग हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको नाम भी दे सकते हो अगर ये चीज़ अगर आप करना चाहो। देखो
इसको आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। इसको आप जैसे कि अब इंग्रेविंग नहीं करना चाहते कुछ भी, इंग्रेविंग नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, दिख नहीं रहा अगर। लेकिन आप इंग्रेविंग खाली टेक्निकल हब को करना चाहते हो, स्क्वायर को नहीं, तो वो आपका अलग लेयर बनानी पड़ेगी। वो लेयर कैसे, जैसे कि इसको राइट क्लिक करके नेक्स्ट लेयर का लेयर 2 हो जाएगी, तो एंटर करते ही अब जब भी कुछ भी आप डुप्लीकेट करोगे, इसको डुप्लीकेट भी करोगे तो ये आपका इधर आ रहा है। लेकिन अगर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो लेयर 2 में आएगी, ठीक है। लेयर 2 में जैसे कि अगर देखो आपने ये बना लिया, अब खाली आपको क्या करना है, ये सभी को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको जो है सर्कल इनग्रेव नहीं करना, खाली आपको ये इनग्रेव करना है। सर्कल आपको इनग्रेव नहीं करना, खाली आपने ये इनग्रेव करना है। तो हमने सर्कल के ऊपर अनेबल कर दिया कि हमारा कोई भी प्रिंट कमांड नहीं देनी, आउटपुट नहीं देना, तो इसलिए हमने खाली इनग्रेविंग के लिए सर्कल को हटा के सभी को हमने कर दिया। इसको आप मूव कर सकते हो इजीली, कहीं भी आप इजीली मूव करना चाहो, ठीक है। ये इनग्रेविंग का सारा प्रोसेस दे रखा है, कटिंग का आपका ये अलग प्रोसेस दे रखा है कि कटिंग अगर आप करना चाहते हो तो ये सारा कटिंग का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये जो सारा आपका प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं कि कट करके दिखाएगा थोड़ा सा प्रीव्यू, मतलब कि साइड में आपका कितना एरिया काटेगा, ठीक है ना। वो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ आपको वही चीज़ शो कर देगा जो आपका डिवाइस आईडी है। यहाँ पे हमने शो किया था पहले, जो स्टार्टिंग में आपको हमने बताया था कि क्या चीज़ है, तो वो आप यहाँ से अपना कुछ भी चेंज कर सकते हो। लेकिन आप स्पीड जब आप कटिंग ही कर रहे हो तो यहाँ पे अपना स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, और मशीन में जो पावर दे रखी है वो वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो इजीली। यहाँ से आप देखो न्यूएस्ट वन दिख रखा है, कटिंग से आप इंग्रेविंग भी, मार्किंग भी, मार्किंग करना चाहते हो जैसे कि आप खाली लाइन डालना चाहते हो तो मार्किंग भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि मार्किंग पे क्लिक कर दिया तो लेज़र मार्क करेगी, पावर थोड़ी सी कम देगी, ठीक है ना। लेज़र मशीन खाली मार्क कर देगी आउटलाइन टाइप, वो चीज़ है। कटिंग करनी है तो कटिंग के लिए थोड़ी पावर ज़्यादा लगेगी, वो चीज़ है। अब देखो जैसे कि अगर हम मान के चलिए कोई कीचेन बना रहे हैं नाम का, टेक्निकल हब लिखा, ठीक है। अब कीचेन बना रहे हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा भी करना पड़ेगा, इसको हमने फॉन्ट चेंज कर लिया, ठीक है। ये चीज़ हमने फॉन्ट ले लिया। अब पहले थोड़ी सी हम एडिटिंग करेंगे, इसको हम थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे, तो आउटलाइन पेन में थोड़ा सा जाएंगे, तो इसको हमने 5 दबा के आउटलाइन कर्व करके ओवर प्रिंट आउटलाइन, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे। अब ये जैसे कि हमारा ज़्यादा नहीं हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, वापस से एक बार आउटलाइन पे जाएंगे, तो ये हम थोड़ा सा 5 की जगह 8 कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अगर ये चीज़ भी हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ब्रेक अपार्ट करके, ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरीके से कर लिया ताकि हमारा यहाँ पे गैप ना रहे। अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट क्यों दबाया, शॉर्टकट की होट की जिसे कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्यों वापस इसमें दबाया हब को, क्योंकि तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया था जिससे कि हमारी आउटलाइन जो है वो अलग हो जाए, ठीक है। आउटलाइन अलग हो गई तो हम इसको क्रिएट बाउंड्री कर लेंगे। क्रिएट बाउंड्री करने के बाद ये जो है हमारा ये है यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। मेन चीज़ ये जो है हमारा बन रहा है, ये हमारा वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इसको कट भी कर देंगे तो बस आप इस यूं ही देखो, उसका आप कन्फ्यूज़न बहुत होएगी। अगर सिंपल तरीके से आप करते हो तो वो चीज़ आपके लिए ठीक है। अब देखो जैसे कि ये चीज़ हमने बनाया, ये चीज़ हमने किया कंबाइन करके, यहाँ पे हमने वेल्ड कर दिया कुछ इस तरीके से, और ये हमारा आउटलाइन बन गया, और ये हमारा जो है इनग्रेविंग का हो गया, ठीक है। अब देखें, अब आउटलाइन बन गया है तो हम पहले इसको स्क्वायर बना लेंगे, ठीक
कि हमारा स्क्वायर के अंदर अंदर हमारा जो भी है वो होए। ठीक है, अब देखें, पहले हम क्या करेंगे, इंग्रेविंग। इंग्रेविंग करना चाहो तो हमारा देखो अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के लिए करा था, तो जब ही नहीं हो रहा उसमें जाके अब हो जाएगा शो। अब देखो जैसे कि हमने इसको अनसिलेक्ट कर लिया, अब देखो जैसे कि हम ये बना रहे हैं, तो हमारी कहाँ पे रखना चाहते हो एडजस्ट कर लो पहले, शीट आपकी कहाँ पे है आपकी है, ठीक है ना, वो चीज़ है। स्पीड पहले इंग्रेविंग हो रहा है, तो इंग्रेविंग आपका ये पूरा आपका इंग्रेविंग होएगा टेक्निकल हब जो है। जैसे कि अगर हम ये चीज़ें इसको डिलीट भी मार देते हैं तो इंग्रेविंग करते हैं, तो ये हमारा यहाँ से पूरा इंग्रेव होएगा जो है, टेक्निकल पूरा हब आपका इंग्रेव हो जाएगा। फिर अब कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर का है वो डिलीट कर देना है, ये कट कर देना वहाँ से। अगर डिलीट, देखो जैसे कि ये हमने अंदर का हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है, सेम हमने फिर कटिंग कर देना है, कुछ भी पोजीशन नहीं छेड़ने, बस स्टार्टिंग कर देना है, वो ऑटोमेटिक आपकी वहीं पे उसी पोजीशन पे आपका कट कर देगी। सिंपल सा तरीका होता है, इसमें कोई ज़्यादा मोटिव नहीं होता, बस इसमें मेन होता है डिज़ाइंस को तैयार करना और फाइल को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके कमांड देने का। अब देखो मशीन जो है इजीली वर्क करती है, जो कि आप जो क्या कर रहे हो, क्या चीज़ काट रहे हो, वो चीज़ आपको मेन पावर और इंग्रेविंग की एडजस्टमेंट होती है, स्पीड की एडजस्टमेंट होती है कि कितनी तेज़ी से और कितनी पावर में आपका काट रही है। ठीक है, अगर स्पीड आपकी ज़्यादा होगी पावर कम होगी तो वो चीज़ आपकी नहीं काटेगा। ठीक है, अगर पावर आपकी ज़्यादा होगी स्पीड भी आपकी ज़्यादा होगी तो वो नहीं काटेगा, मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है स्पीड और पावर को, ठीक है ना। अगर कई बार अलग तरीके से भी चलती है लेज़र मशीन जो आपकी है, अगर इसमें कुछ ज़्यादा ही चेंजेस कर देते हो तो आपकी मशीन कुछ अलग तरीके से ही काट देती है, ठीक है, वो चीज़ फिक्स नहीं हो पाता। अब अगर हम रबड़ स्टैम्प बनाएं, इसमें रबड़ स्टैम्प बनाने की देखें, तो जैसे कि हमने एक सर्कल ले लिया, मान के चलिए एक सर्कल ले लिया हमने, सर्कल लेने के बाद हमने क्या किया, एक टेक्स्ट ले लेना है जैसे कि रेनिल, स्कूल रेनिल इंटरनेशनल स्कूल, एक रबर स्टैम्प बना रहे हैं हम, ठीक है, मान के चलिए एक रबर स्टैम्प बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हम रबर इसको सर्कल को बड़ा कर लिया, फॉन्ट चेंज कर लिया, ठीक है, फॉन्ट चेंज कर लिया। अब हमने क्या किया, इसको इसके अंदर डालना है, ठीक है, इसके अंदर डालना है, तो वो कैसे डालेंगे, कर्व में, ठीक है, तो कर्व में डालना है, तो आप टूल्स में जाएंगे, सॉरी टेक्स्ट में जाएंगे, फिट टू टेक्स्ट पाथ में जाएंगे, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है, ये जैसे कि एडजस्ट हो गया है, ठीक है। अब इसको अलग कर देंगे ब्रेक का पार्ट करते ही, अब इसको हमने कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करने के बाद अब हम कलर करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हो गया पहले इंटरनेशनल। अब फ्लिप करके जो हम मिरर हॉरिजॉन्टल करेंगे, जैसे कि अब ऐसे कमांड देंगे इंग्रेविंग की, अगर हम देंगे तो इस तरीके से कमांड देंगे, बिना अगर सिलेक्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर मतलब कि दो तीन आइटम बना रखी है जैसे इंग्रेविंग कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। इंग्रेविंग आप स्पीड, बस मेन आपको स्पीड और पावर को एडजस्टमेंट करने का होता है, अगर ऐसे इंग्रेविंग दे रहे हैं स्टार्ट कर दिया तो वो स्टार्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा जाएगा नीड यूएसबी की, क्योंकि मेरे पास यूएसबी की नहीं है, खाली आपको मैंने समझाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है समझाने के लिए आपको मैंने डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, बस आपको थोड़ा सा डेमो देने के लिए मैंने ये इंस्टॉल किया था कोरल लेज़र। मेन बस आपके डिज़ाइंस के ऊपर है कि कैसे आप बना रहे हो, डिज़ाइंस कर रहे हो, बाकी ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी तरीके का है। अब देखें कट कैसे करेंगे, जैसे कि कट मान के चलिए अब ये चीज़ हमने बना ली, ठीक है, तो उसी पोजीशन पे हम पहले आउटलाइन बना लेंगे, आउटलाइन क्रिएट करके हम ब्रेक अपार्ट करके हम इसको डिलीट कर लेंगे, और ये हमारी कटिंग फाइल हो गई, ठीक है।
कटिंग फाइल हो गई। सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। ऐसे ही आप अगर 10 मतलब कि ज़्यादा साइज काट रहे हो, अब ज़्यादा फाइल्स काट रहे हो, मतलब कि जैसे कि एक एक दो तीन, मतलब 3 एक पेज में काट रहे हो, और ये हमने ठीक है, ये हमने कर दी। तो पहले एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा ये फिर ज़्यादा ही। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने ये एडजस्ट कर दिया थोड़ा बहुत, अब ये जो चीज़ है हम इसको हम इंग्रेविंग करते हैं। तो सेम हमारा इंग्रेविंग का प्रोसेस हमारा यही रहेगा, स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो गया। इंग्रेविंग होने के बाद आपको शीट नहीं छेड़नी है, क्योंकि उसके ऊपर आपको कट भी करना है। अगर ये हम अनसिलेक्ट करके करेंगे तो जब भी होगा, ठीक है। अगर कट करने हैं, कट करने के लिए आपको सेम क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आउटलाइन हटाओ, ठीक है। फिर आपको ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा, सभी को आपको ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा। ब्रेक अपार्ट करके आपको ये ऐसे ही सभी को आपको डिलीट करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से आपको। आपको डिलीट करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो आप इजी तरीके से एक और भी काम कर सकते हो, जैसे कि हमने ये ऐसे किया है, लेकिन आप क्रिएट बाउंड्री बना के, क्रिएट बाउंड्री बना ली, इसको हमने क्रिएट बाउंड्री अगर हम यहाँ लेके जाए तो ये देखो ये बन गई, इसको हम कट कर देंगे, इसको हम डिलीट मार देंगे, वहीं पे पेस्ट कर देंगे, और इसको हम कमांड दे देंगे कटिंग की, ठीक है। वो वहीं पे आपका ऑटोमेटिक सेट होके कमांड देना लग जाएगी मशीन, ठीक है ना। कोई दिक्कत हुई तो वीडियो को और आके कमेंट कर देना, अगर वीडियो में अगर कहीं दिक्कत हो रही हो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए दोस्तों, अब देखो जैसे कि हमारा जो वो बना लिया, अब की चेन हमने बनाया, अगर हम कोई भी टैग बना रहे हैं या इयरिंग बना रहे हैं, तो अपना कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो देखो जैसे कि हम स्टार ले लेते हैं, स्टार ले लिया हमने, ठीक है, स्टार ले लिया। स्टार के बाद हमने इसको सेंटर में कर लिया इजीली, कोई टाइम वेस्ट नहीं कुछ नहीं, तो हमने ये सेंटर में कर लिया। लेकिन हमारा देखो यहाँ से हमारा बराबर नहीं हो रहा, साइड बराबर नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, वापस से एक बार हमने इसकी आउटलाइन निकाली, ठीक है। आउटलाइन एक बार हमने क्या किया, कलर किया, पहले कलर करके ही आपकी आउटलाइन बराबर निकलेगी। F12 दबाया, F12 दबाने के बाद हमने 10 दबाया, मतलब कि कितना आपको इसकी मोटाई चाहिए, विड्थ इसकी मोटी कितनी, आउटलाइन मोटी चाहिए, तो वो इस हिसाब से कर देगा। अगर 10 की जगह हम 20 12 डालें तो उसके थोड़ा सा और मोटी कर देगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट अलग करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, या ऑब्जेक्ट होगा, किसी किसी का अरेंज भी दे रखा होता है, कभी हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर हम रीसेट मारें तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, शो करेगा। तो ये कन्वर्ट टू कर्व नहीं, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट ये करना है। ये दबाने के बाद ये हमारा इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके हम क्रिएट बाउंड्री निकाल लेंगे, और इसको हम सिलेक्ट करके इसी के हम बीच में कर देंगे, ठीक है। इसको करने के बाद हमने क्या करना है, कंबाइन कर लेना है, कुछ इस तरीके से हमारा बन चुका है। कुछ इस तरीके से बनने के बाद हम कैसे भी एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से भी हम कर देंगे तो
तो हमारा कुछ अलग तरीका डिज़ाइन बन जाएगा। तो अगर हमने इसको वेल्ड कर दिया, आउटलाइन इसकी वेल्ड कर दी, मेन हमारी ये कटिंग की फाइल है, तो इसको हमने यहाँ पे पहले हमने इसको वेल्ड किया ताकि हमारा ये थोड़ा सा होल बचे, और इसको हमने यहाँ इसका एडजस्ट करके हमने कंबाइन कर दिया, जिससे कि हमारा की ईयरिंग टाइप का हमारा तैयार हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो ईयरिंग का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब कटिंग करनी है मेन फाइल हमें, जो हम काटेंगे स्पीड से वो अब इजीली आपके कट जाएगी, ठीक है ना। बहुत इजी रहते हैं, बस मेन आपको कुछ नहीं, कमांड आपको बस पावर का एडजस्टमेंट करके चलना है। जैसे कि आप मशीन से पावर एडजस्ट कर रहे हैं, तो मशीन के आप पावर थोड़ा सा टेस्ट करके डालो, ताकि आप सर्कल बना बना के टेस्ट करो कि लेज़र मशीन कितनी पावर में आपका क्या चीज़ काट रही है। वो चीज़ आप अपना लिख के रखो, या फिर आप कहीं मार्क कर लो कि हमारी इस पावर पे हमारा इतना काट रही है लेज़र मशीन, और इस स्पीड पे हमारा इतना इंग्रेविंग कर रही है। जैसे अगर मोबाइल पे गोल्डन पैनल बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन ले लेते हैं, अगर मोबाइल पे गोल्डन पैनल बना रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा हम कुछ अलग टाइप का बना लेते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन। ताकि आपको लगे, डिफरेंस लगे, ठीक है। गोल्डन पैनल बना रहे हो, तो गोल्डन पैनल बनाने के लिए थोड़ा सा हमें एक डिज़ाइन तैयार करना था, तो मैंने कुछ भी अलग से डिज़ाइन तैयार कर लिया। तो इसकी आउटलाइन ये, जैसे कि ये हमारे को इसके अंदर गैपिंग दिखा रहा है कि कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, वो अपने तरीके से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, गोल्डन पैनल के ऊपर रखना है और ये आपको इंग्रेविंग कर देना है। उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको आउटलाइन करके, जैसे कि अब कट करना है, तो कट की फाइल आपके पास है तो आप वो कर सकते हो। जैसे कि अगर हम कैसे करेंगे, आउटलाइन अरेंज शेपिंग में जाके बाउंड्री बना दी हमने, तो ये हमारी कटिंग फाइल हो गई। इसको हमने डिलीट मारा या कट किया, तो ये हमारी कटिंग फाइल, तो काट दिया, तो उसी प्रोसेस पे हमारा उसी शीट के ऊपर हमारा कट हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सॉफ्टवेयर तो इजीली समझ आ ही जाएगा, मेन है आपको प्रैक्टिस करना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप मशीन से यूज़ करोगे, वो आपको इजीली आता रहेगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।